हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू शर्मा, नीति इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाला है, देख सकते हैं मेरे पास जो है एक वर्लपूल कंपनी का पावर सप्लाई है, और ये जो देख सकते हैं इसका जो है डिस्प्ले पैनल है इसका, ठीक है। ये डिस्प्ले पैनल है और ये पावर सप्लाई है। दोस्तों, इसमें क्या दिक्कत हुआ था, दोस्तों ये जो है पावर सप्लाई जो है, ये वॉशिंग मशीन का जो पावर सप्लाई है ये चल रहा था, मगर चलते चलते अचानक से जो है ये बंद हो गया, और एक दो बार चालू हुआ उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा था, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें यही दिक्कत आ रहा था, और इसको जो है दोस्तों मैंने जो है, मेरे को थोड़ा सा एक फॉल्ट दिखा था, जो कि देख सकते हैं ये दो मैं कैपेसिटर यहाँ पे चेंज किया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो दो कैपेसिटर है दोस्तों, ये वाला जो है कैपेसिटर है यहाँ पे देख सकते हैं ये फूल गया था, ये कैपेसिटर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। देखिए ये कैपेसिटर जो है यहाँ पे फूला हुआ था, तो मैंने इसको चेंज किया, मगर ठीक है चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम जो है सही नहीं हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि इसको इसमें क्या क्या प्रॉब्लम था और इसको कैसे सही करेंगे, और इसमें क्या दिक्कत है। दोस्तों मेरे को जो मिला है प्रॉब्लम, मैं अब वो आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें क्या इशू बन रही थी कि जो है चालू नहीं हो रहा था। तो जो सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में, देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देख सकते हैं वर्लपूल, देखिए ये लिखा हुआ है वर्लपूल कंपनी का है, ठीक है। इसका जो है आपको जो है मदरबोर्ड जो है ये आपको ये नंबर जरूर नोट कर लेना है दोस्तों, L1961, ठीक है। कॉटेज ड्राइव ड्राइवर PPB, ठीक है। ये आपको जरूर ये दोस्तों ये नोट करना है, क्योंकि ये जैसे ही डालेंगे आप गूगल में तो जो है आपको सारा कुछ इसका डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका नंबर डाल दूंगा ताकि आप जो है इसको नोट कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा हमारा देख सकते हैं ये जो PCB है, ये जो हमारा पावर सप्लाई है इसे जो है डिस्प्ले पैनल का, दोस्तों इसमें ही प्रॉब्लम था जो कि ये चालू नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम था दोस्तों उससे इसमें जो वोल्टेज का प्रॉब्लम था, ये बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम था वोल्टेज का, क्योंकि मैंने भी जो है बहुत ज्यादा इसमें जो है काम करने के बाद मेरे को वो प्रॉब्लम जो है मिला, क्या बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो मैं इसीलिए जो है आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दोस्तों देख सकते हैं ये जो हमारा मोटर का कनेक्शन यहाँ पे गया रहता है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रल का एक कनेक्शन नीचे गया रहता है, जो कि हमारा एक ये मोटर में और ये न्यूट्रल का कनेक्शन हमारे मोटर में चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कनेक्टर हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी जो चीजें फंक्शन है उसमें ऑटो मोड का उसका है, ठीक है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि इसमें क्या दिक्कत था और ये कैसे सही हुआ, इसमें क्या क्या फॉल्ट जो है दिखा रहा था। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसमें जो है जैसे ही पावर इसमें दे रहे थे तो इसका जो वोल्टेज है दोस्तों, मैंने जब चेक किया तो पता चला इसका जो वोल्टेज है, ये जो दो कैपेसिटर चेंज करने के बाद जो है इसको पता चला कि ये जो इसका वोल्टेज है यहाँ पे, इसका वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा है दोस्तों, सॉरी वोल्टेज इसका जो है फ्लैक्चुएट हो रहा है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कुछ इसी तरीके से इसमें वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा था कि दोस्तों इसका वोल्टेज जो है कहाँ से फ्लैक्चुएट होना चालू हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एक जो है एक जो हमारा एक वायर यहाँ पे गया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट रिले में गया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे एक रिले लगा हुआ है, ठीक है। तो रिले में गया है, बट यहाँ पे जो है हमारा कोई समझ में नहीं आ रहा था। चलिए मैं पहले आपको वोल्टेज जो है चेक करा के दिखा देता हूँ, फिर जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये मेरा डिस्प्ले पैनल है, मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ। ये जो 3 बटन आपको दिख रहा है ये दोस्तों एक स्टार्ट करने का बटन है, ये वाला, इससे हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। और देख सकते हैं ये पूरा पेस्टेड रहता है, देख सकते हैं ये सिलिकॉन से पूरा पेस्टेड रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रिपेयरिंग करने में दिक्कत होता है पूरा, देखिए ये भी हमारा सिलिकॉन से पेस्टेड था, ठीक है। तो दोस्तों हमको जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, इसीलिए हमको पूरा पेस्ट इसका निकालना पड़ा। और दोस्तों इसको अच्छे तरीके से पैक करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों अंदर से मॉइस्चर पकड़ के इसके जो कॉम्पोनेंट्स है वो खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी जो है हम इसको आपको चेक करा के दिखा लेते, ठीक है। तो जानेंगे इसमें, जब से दोस्तों प्रॉब्लम नहीं खोज पाएंगे तो आप इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लग को मैं लगा लूंगा, जो कि मैं इसको सीरीज में लगाऊंगा और सीरीज में ही आप इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ। और देखिए मेरा जो है सीरीज जो है चालू है, ठीक है। तो मैंने चालू पावर दे दिया इसके अंदर, ठीक है। और आइए मैं इसको वोल्टेज चेक कर लेता हूं। तो मेरे पास जो मल्टीमीटर है, देख सकते हैं इसको 600 के रेंज में रख लेंगे, इस तरीके से देख सकते हैं मैंने इसको 600 के रेंज में रख लिया है एसी में, और एसी का वोल्टेज पहले चेक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्रॉब रखूंगा और पहले एसी इनपुट सप्लाई चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमारा 225 वोल्ट हमारा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हमारा एसी वोल्टेज आ रहा है। और देखिए आपको दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे देखिए ये जो ग्राउंड है, मैंने दो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगाया हुआ था, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे दो मैंने दो कैपेसिटर लगाया हुआ था, उसका ये देख सकते हैं माइनस पॉइंट है,
तो यहाँ पे इसका ग्राउंड मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें ग्राउंड पे मैं एक प्रॉप को इसे टच करूंगा, और देखिए ये जो आईसी यहाँ पे लगी हुई है, ये वाली आईसी दोस्तों, ये 12 वोल्ट आउटपुट करती है, ये जो आईसी है 12 वोल्ट आउटपुट करती है, ठीक है। तो देखिए अभी जो है मैं इस पे टच करता हूँ, और देखिए इसका जो आउटपुट का पॉइंट है, देख सकते हैं ये आईसी का 3 पॉइंट है यहाँ पे, 1 और 2 एक साथ जो है इसका एक साथ रहता है ग्राउंड में, कनेक्शन ग्राउंड के साथ रहता है, और एक जो है प्लस के साथ रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे इसका वोल्टेज, यहाँ पे देखिए ज्यादा वोल्टेज दिखाएगा, देख सकते हैं किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 700 वोल्टेज बन रहा है, बट यहाँ पे वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसी तरीके से इसमें प्रॉब्लम थी। देखिए मैं कहीं भी टच करूंगा तो वोल्टेज जो है आपको क्लियर नहीं दिखेगा, सारा वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। चलिए मैं 200 में करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसके आउटपुट कनेक्शन है, जो कि आउटपुट सप्लाई है, जो कि ये हमारा जो है पैनल को सप्लाई देता है, यहाँ से आउटपुट निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से भी वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, देख सकते हैं दोस्तों, सभी पॉइंटों पे देख सकते हैं वोल्टेज हमारा जो है फ्लक्चुएट ऐसे ही कर रहा था, ठीक है। जब मैं चेक किया तो इसको मेरे को पता चला कि हाँ यहाँ पे जो है वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। तो दोस्तों अभी जो है देखिए यहाँ पे मैं आपको सारा चेक करा लेता हूँ, ठीक है। देखिए सभी पॉइंटों पे वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज हमारा रुक नहीं रहा है, अप डाउन कर रहा है। और देखिए ये जो हमारा ये तीन आईसी का जो इनपुट है, यहाँ पे इनपुट पॉइंट है जहाँ पे इनपुट सप्लाई हम आईसी को दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 200 पे सेट किया हूँ, इसीलिए जो है नहीं दिखा रहा, क्योंकि 200 से ऊपर वोल्टेज है, मैं 600 पे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड में है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो मैं कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, और देखिए यहाँ पे जो 12 वोल्ट आ रहा है ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। देखिए 11 पॉइंट कुछ वोल्टेज दिखाएगा, देखिए लगभग 11.9, ठीक है, 11.9 वोल्टेज दिखा रहा है, यानी 12 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है, बन रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके पहले अभी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारा बन रहा है, मगर यहाँ पे एक छोटी सी एक यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे देता है, ठीक है। छोटी सी एक आईसी है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ उल्टा करके। देखिए यहाँ पे ये जो आईसी लगी हुई है, ये वाली आईसी दोस्तों, इसी आईसी के अंदर जो है आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। जब यहाँ से सप्लाई इस आईसी में जाता है और ये आईसी जो है आउटपुट करता है हमारे इस डिस्प्ले पैनल को, तो वहां पे जो है ये दिक्कत करता है, ये जो है यही से फ्लक्चुएट हमारा फ्लक्चुएशन चालू हो रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ चेक करके। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 12 वोल्ट हमारा 11.9 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और देखिए ये है जो आईसी का 4 पॉइंट है, देखिए ये जो पॉइंट है इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी 11.5 आ रहा है, 11.9 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम वोल्टेज आ रहा है, यानी ये जो वोल्टेज है हमारे यहाँ पे सेम वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। अब इसमें इस वाले जो डायोड में यहाँ पे जो छोटी सी आईसी दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस आईसी में जो है वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट चला गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अब इसमें जो आउटपुट कर रही है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज देने के बाद हमारा जो आउटपुट यहाँ पे निकलता है इसके सामने जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, अब देखिए इसमें जो है फ्लक्चुएशन चालू हो गया, ठीक है, देख सकते हैं ये जो हमारा फ्लक्चुएशन चालू हो गया है, ठीक है। देखिए हमारा जो वोल्टेज है वो रुक नहीं रहा है, बराबर फ्लक्चुएट कर रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जो कि इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे इनपुट सप्लाई है वहां पे वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है, कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम देखिए यहाँ पे जो है वो जो यहाँ पे आईसी जो दिख रही है, एक छोटी सी 4 लैग की आईसी, जो कि ये यहाँ पे लगी हुई है, और देख सकते हैं यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई है उसकी 12 वोल्ट हमको जो इसको मिला है, लेकिन जब आउटपुट कर रहा है तो ये फ्लक्चुएट होकर आउटपुट कर रहा है, ठीक है। इस आईसी का नंबर दोस्तों हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, तो देख सकते हैं इस आईसी का नंबर है, यहाँ का नंबर है दोस्तों, जो इसमें आईसी लगी हुई है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो आईसी, ये जो नंबर आपको दिख रहा है JC817, ये जो दोस्तों आईसी है, मैं एक आईसी निकाल के रखा हूँ दोस्तों एक पावर सप्लाई से, क्योंकि एक जो है सीपीयू का पावर सप्लाई था, तो सीपीयू के पावर सप्लाई से मैं ये आईसी निकाल कर इसी आईसी को मैं यहाँ पे, तो इसी आईसी का नंबर जो है मिल रहा था, तो हम यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब इसको लगाएंगे, देखिए लगाने कैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो देखिए दोस्तों। तो चलिए मैं इस आईसी को साइड में रख लेता हूँ, और ये वाला आईसी हमारी लगी हुई है, तो ये हमारी आईसी जो है यहाँ पे खराब है, क्योंकि ये आईसी जो है काम नहीं कर रही है, तो मैंने चेक कर लिया है, तो आईसी जो है हमारा काम नहीं कर रहा है, और इस आईसी को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए हमारा JC817 आईसी जो है यहाँ पे लगा लेंगे। तो मैं पहले पावर को ऑफ कर लेता हूँ, तो मैंने पावर को ऑफ कर लिया है, ठीक है, और अभी जो है मैं इस आईसी को बाहर निकालूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बाहर निकालता हूँ, और फिर देखते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा जो है।
तो चलिए अभी जो है इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। अब इस जो है इस आईसी को हम यहाँ पे निकालेंगे और इसको चेंज करेंगे। दोस्तों मैं कैमरा को थोड़ा नजदीक कर लेता हूँ ताकि जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। देख सकते हैं इस वाले आईसी को हमें निकालना है, इस वाले आईसी को हमें निकालना है, इस वाले आईसी को। तो ये जो चफोर लेके आईसी है मैं इसको निकालूंगा। तो चलिए मैं इसको डिसोल्डर कर लेता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी पे क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरे सारे वीडियो को देख पाएंगे मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए दोस्तों अभी जो है मैं इसको निकाल लिया हूँ, ठीक है, और ये जो है डिसोल्ड हो गया है। मैं पीछे से इसको उठा के इसे बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी जो है मैं इसको इस तरीके से इसे उठा लेता हूँ। देखिए तो ये हमारा आईसी जो है निकल चुका है और देखिए आईसी का पॉइंट जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी सी एक बिंदु बनी हुई है जो कि एक डॉट है। तो मैं इसको साइड में रख लेता हूँ इस आईसी को, ठीक है, और मैं छोटा थोड़ा सा जूम को हटा देता हूँ। और देखिए हमारी जो ए वाली आईसी है, ठीक है, हम इस वाले आईसी को उसमें जो है लगाने वाले हैं, इस वाले आईसी को। इसका डॉट पॉइंट देख लेंगे तो हमारा डॉट पॉइंट यहाँ पे है जो कि आईसी को बताता है कि किस तरीके से इसका डायरेक्शन क्या है। तो इसको हम इस सिंबल को देखते हुए देखिए इसमें जो है मदरबोर्ड में हमारा आईसी का सिंबल कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, लेकिन हमारा आईसी इधर से लगेगा लेकिन सिंबल इधर से बनाया गया है। ये डॉट पॉइंट जहां पे दिख रही है हमको वो डॉट पॉइंट को वहां पे मिला लेना है। देखिए ये डॉट पॉइंट वहीं पे आ जाएगा। तो हमको इस तरीके से ऊपर से ऐसे इस आईसी को लगा देना है, ठीक है। देखिए लग चुका है, हमारी आईसी लग चुकी है और पीछे से हम इसको शोल्डर कर लेंगे, ठीक है। इसको फटाफट हम जो है शोल्डर कर लेंगे। देखिए हमने इसको देखिए शोल्डर कर लिया, देखो चारों लग के मैंने शोल्डर कर लिया है। और इसका जो है अभी हम इसका वोल्टेज अभी चेक करेंगे, तो आइए वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो अभी ये प्लग जो है हम लगाएंगे सीरीज में और इसका वोल्टेज चेक करेंगे। चलिए मैं इसका सीरीज में लगा लेता हूँ और मल्टीमीटर को मैंने सेट कर दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने 600 के रेंज में सेट कर लेता हूँ और इसका इनपुट वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं 225-26 दिखा रहा है, ठीक है। और मैं इसको अभी 200 के रेंज पे सेट कर दिया हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी चेक करेंगे हम इसका आउटपुट और इनपुट वोल्टेज। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 11.9 दिखा रहा है। इनपुट में देखिए जो आईसी जो हम चेंज किया उसमें इनपुट में भी वही दिखा रहा है, बराबर वोल्टेज हमारा इनपुट हो रहा है उसमें, ठीक है, 11.9। अब देखिए आउटपुट को हम देख लेते हैं तो आउटपुट में हमारा 6.7 वोल्ट दिखा रहा है। देखिए फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है, बिल्कुल फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है और हमारा एकदम परफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 5.8 दिखा रहा है यहाँ पे और बिल्कुल ही वोल्टेज हमारा परफेक्ट आ रहा है। अब देखिए मैं आउटपुट में चेक कर लेता हूँ तो देख सकते हैं जो डिस्प्ले के अंदर हमारा जो सप्लाई जाता है उसके आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही दिखा रहा है। अब फ्लैक्चुएट कहीं भी नहीं कर रहा है, जो वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए मैं सारा वोल्टेज को चेक कर लूँगा ऐसे ही धीरे धीरे। और देख सकते हैं आप भी कि इसको जो है कितने अच्छे से जो है यहाँ पे वोल्टेज है वही परफेक्ट आ गया है। और अभी शायद हमारा जो डिस्प्ले है वो चालू हो सकता है क्योंकि ये वोल्टेज के ही वजह से चालू नहीं हो रहा था। तो अभी जो वोल्टेज बराबर हमारा बन रहा है तो अभी देखिए हमारा सभी पॉइंटों पर जो वोल्टेज आ रहे हैं परफेक्ट है, हमारा सही है, ओके है। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर और कहीं भी देखिए मैं चेक करता हूँ तो हमारा वोल्टेज बराबर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी जो है हम इसको यहाँ पे देखिए ये वाला आईसी मैंने चेंज कर दिया है और अभी इसको हम चेक कर लेंगे। अभी हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट हो गया है और हमारा डिस्प्ले पैनल जो है अब हम चालू करके देख सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले पैनल चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी जो है मैं चालू करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी चालू किया है, देखिए लाइट आ गया है और हमारा डिस्प्ले एकदम बिल्कुल ही परफेक्ट चालू हो गया है, ठीक है। तो इसमें अच्छे तरीके से देखिए मैं बंद किया हूँ और अभी जो है देखिए चालू हो गया, मतलब इसमें पावर आ गया है, हमारा डिस्प्ले पैनल अब चालू हो चुका है, ठीक है। तो हमने इस डिस्प्ले पैनल को जो है और इस पावर सप्लाई को हमने बिल्कुल सही कर दिया है रिपेयर करके, हमारा पावर सप्लाई बिल्कुल सही हो गया है, डिस्प्ले पैनल हमारा चालू हो चुका है। अब दोस्तों इसको हम ट्रायल के लिए ले जाएंगे वॉशिंग मशीन में जिसमें से मैं निकाल के लेके आया था क्योंकि हमारे पास इसको सेटअप इसको रिपेयर करने के लिए सेटअप नहीं है, एक सेटअप बनाना पड़ता है इसको रिपेयर करने के लिए।
तो चलिए मैं वहां पे लेके जाऊंगा और वहां पे चेक करूंगा कि अभी जो हमारा डिस्प्ले पैनल है प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इस पे पावर सप्लाई को परफेक्ट रिपेयर कर दिया है और वोल्टेज हमारा बिल्कुल सही आ रहा है और हमारा डिस्प्ले पैनल भी चालू हो चुका है। तो चलिए मैं उस वॉशिंग मशीन पे लेके चलता हूँ जिनका वॉशिंग मशीन है, उसमें सेट करके देखेंगे कि हमारा पावर सप्लाई जो है चालू है कि नहीं है और हमारा वॉशिंग मशीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलिए मैं उस वहाँ पे लेके चलता तो हूँ तू देख आपको। सकते हैं ये हमारे पास जो है वॉशिंग मशीन है, यही वाला वॉशिंग मशीन का जो है हमने पावर सप्लाई को रिपेयर किया था, ठीक है। और मैंने उस पावर सप्लाई को यहाँ पे देखिए ला कर रखा हूँ और इसी में इसको फिटिंग करेंगे और देखेंगे कि ये जो है प्रॉपर काम कर रहा है। इसलिए मैं जो है वॉशिंग मशीन के पास आ गया हूँ और इस पावर सप्लाई को इसमें जो इंस्टॉल करेंगे, जो मैंने बाहर निकाल लिया था रिपेयर करने के लिए, तो अभी इंस्टॉल करके देखेंगे कि इसमें जो है ये हमारा जो वॉशिंग मशीन है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें पावर सप्लाई की ही दिक्कत थी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो अभी जो है देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये डिस्प्ले पैनल जो है हमको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रख लेंगे यहाँ पे और इसमें हम इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों इसमें अच्छे तरीके से हम इंस्टॉल करके और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं जो है दोस्तों सारे अच्छे तरीके से इसको फिटिंग करके इसमें और इंस्टॉल करके मैं अच्छे तरीके से आपसे मिलता हूँ। देख सकते हैं मैंने सारे वायर को जो है बाहर निकाल लिया था, क्योंकि जब हम इसको खोल रहे थे तो चेक करने के लिए मैंने सारे वायर को निकाल लिए थे। और देख सकते हैं ये जो कनेक्टर है यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला कनेक्टर ये इसके अंदर यहाँ पे लगता है, ठीक है, ये वाले कनेक्टर, ठीक है। ये वाले कनेक्टर यहाँ पे ये इसमें लग जाते हैं, तो इसमें इसमें यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। और दोस्तों और ये वाला जो है दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो दो सप्लाई यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो है ये दोस्तों हमारा जो है मोटर का है, जो कि नीचे हमारा मोटर लगा हुआ है, तो जो है मोटर ये मोटर का सप्लाई है, देख सकते हैं इसमें, देख सकते हैं इसमें चार वायर निकला हुआ है, ठीक है। तो इसमें मोटर की सप्लाई हम इसमें जो है हमारा पावर सप्लाई में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मोटर की सप्लाई यहाँ पे लग जाएगी ये पिन कनेक्टर, और ये वाला कनेक्टर जो है हमारा पावर इनपुट सप्लाई है, जो कि हमारा पावर इसमें आता है 220 वोल्ट, ठीक है। तो हम इसमें इसमें इसको लगा देंगे, ठीक है, और ये चालू हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट जो है इसको कनेक्शन करके सारी चीज़ को फिटिंग करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है और मैंने सारा कनेक्शन एकदम बिल्कुल परफेक्ट कर दिया जैसे पहले किया हुआ था, और इसको अच्छे से हमने वायर को भी अच्छे से रख कर दिया है, क्योंकि इसमें जो इसका जो कनेक्शन होता है बिल्कुल सही होना चाहिए और वायर जो है एकदम बिल्कुल वायरिंग इसका जैसे था वैसे बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा दोस्तों मॉइस्चर मॉइस्चर पकड़ लेता है, तो इसको थोड़ा सा फिटिंग अच्छे से करना है। और इसको जो बोर्ड है पावर सप्लाई का आपने देखा वहाँ पे जो ग्लू मैंने निकाला था, जो इसका जो पहले से ग्लू इसमें डाला हुआ था सिलिकॉन ग्लू था, तो उसको मैंने निकाल के अपना जो एक नॉर्मल ग्लू ग्लू गन आता है मैंने उसी से अपना ग्लू जो है उसमें लगाया था ताकि उसमें मॉइस्चर न पकड़े। तो अभी जो है इसको हम इसमें फिट कर लेंगे और फिट करके जो है अभी चालू करके देखेंगे कि हमारा जो वॉशिंग मशीन है जो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये वायर जो देख रहे हैं यहाँ पे एक निकला हुआ है, क्योंकि ये बॉडी अर्थ के लिए है ये दोनों वायर, तो अभी इसको बॉडी अर्थ के लिए हमने इस वायर को उसमें टाइट करना है। तो वो वहाँ पे बॉडी में इसको ये जो ऊपर का कवर खोला हुआ है उसमें टाइट हो जाता है, तो इसको चलिए हम बाद में करेंगे। और हमने अभी इसको जो है चालू करके देख लेना है कि हमारा जो है वॉशिंग मशीन बिल्कुल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम इसको अच्छे से फिटिंग देखिए इस तरीके से रख दिया हमने और हमारा सब कुछ रेडी है, और इसको अब चालू करके देखेंगे कि क्या कंडीशन दिखा रहा है हमारा यहाँ पे। इसमें हम जो है हमारा सब कुछ देखिए फिटिंग हो गया हमारा, और इसका कवर है ऊपर का एक ग्लास का जो कवर है, एक ऊपर का जो है इसका डोर है और ये इसके आगे लगा रहता है, ठीक है। इसको सारा चीज़ को हमने फिटिंग कर दिया है और इसको हम अभी चालू करेंगे और चालू करके देखते हैं। चलिए मैंने चालू कर दिया। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे चालू कर रहे हैं, मगर इसमें जो है अभी पानी भरना पड़ेगा, क्योंकि पानी रहेगा तभी ये चालू होगा। तो इसमें पानी पहले भर लेते हैं, तो इस तरीके से इसमें पानी भर लेंगे, ठीक है, और पानी पूरे अच्छे तरीके से भर लेंगे उसके बाद चालू हम करेंगे। तो चलिए पानी भर लेते। तो दोस्तों हमारा पानी भर चुका है और इसको थोड़ा क्लीन करके इसको बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद इसको हम अभी चालू करके देखेंगे कि हमारा जो है वॉशिंग मशीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अभी जो है चलिए हम इसको
चालू कर लेंगे तो हमारा जो है देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग हो चुका है। और भाई साहब सेटिंग कर रहे हैं अभी, तो अभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये चालू कर रहे हैं अभी, तो हमारा थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा वाशिंग मशीन है अच्छे तरीके से काम करने लगा है, और ये वाशिंग मशीन हमारा चल रहा है अभी अच्छे तरीके से जो आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मेरे अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।